हे गाइस, सो आज हम आपके लिए लाए हैं मूवी 12th फेल का रिव्यू। सो गाइस, मूवी का नाम 12th फेल है, लेकिन ये मूवी लाखों के सिनेमा लवर्स के दिलों में पास होगी। सो शुरुआत करते हैं मूवी के प्लॉट को लेकर। कहानी 12th फेल नोवेल पर बेस्ड है, जिसे अनुराग पाठक ने लिखा था, और पूरी मूवी की जर्नी एक चंबल के छोटे से गाँव में रहने वाले लड़के की 12th फेल होने के बाद से हिंदुस्तान के सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर करने तक की है। कहानी में लीड रोल्स में नजर आएंगे विक्रांत मैसी, और उनके साथ मूवी में है मेधा शंकर, अंशुमान पुष्कर और कई कलाकार। विक्रांत मैसी ने अपनी एक्टिंग स्किल से सभी को लास्ट तक होल्ड रखा है, या ये भी कह सकते हैं ये उनकी अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। बात करें मेधा की, तो मेधा ने भी सपोर्टिंग रोल बखूबी से निभाया है, और अंशुमान पुष्कर जैसा मेंटोर हर किसी की लाइफ में होना ही चाहिए। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्शन की, तो मूवी को डायरेक्ट किया है द मास्टर मैन विधु विनोद चोपड़ा ने। इनकी तारीफ इनके काम से पहले भी हो चुकी है, और डायरेक्शन 10/10 है। साथ ही सिनेमैटिक भी काफी गजब का है मूवी का स्टार्ट टू एंड। अब चलते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक पे, तो बैकग्राउंड म्यूजिक काफी सटल और अच्छा है, मूवी का सही जगह पर सही म्यूजिक का यूज किया गया है। ओवरऑल बात करें तो एक भी सीन मिस नहीं कर सकते हैं आप। मूवी का स्क्रीन प्ले इस तरह से लिखा गया है। सो हम 12th फेल मूवी को देते हैं 4.5 out of 5 stars, क्योंकि ये मूवी एजुकेशन अवेयरनेस के लिए बड़ा मैसेज देती है सोसाइटी में, और ऐसी मूवीज रिफ्रेश करती है आपको कॉमर्शियल सिनेमा के दौर में। सो फिलहाल अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो देखिए, और अगर देखी है तो आपको ये फिल्म कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड फॉर मोस्ट लेटेस्ट अपडेट्स टू सब्सक्राइब अवर चैनल।